हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 13 अक्टूबर और आज के करेंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के द्वारा कौन सी दो लंबी दूरी की मालगाड़ियाँ शुरू की गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। यानी कि इन मालगाड़ियों का नाम है गरुड़ और त्रिशूल, जो कि सबसे लंबी दूरी की मालगाड़ी है और इन्हें हाल ही में भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू किया गया है। बात करें त्रिशूल की तो यह दक्षिण मध्य रेलवे की सबसे लंबी ट्रेन है। इसमें 177 वैगन यानी कि 3 मालगाड़ियों के बराबर यह ट्रेन है। इसे विजयवाड़ा डिवीज़न के कोंडापल्ली स्टेशन से ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेशन के खुलदा डिवीज़न तक के लिए लॉन्च किया गया है। वहीं बात करें गरुड़ की तो यह गुंतकल मंडल के रायचूर से सिकंदराबाद मंडल के मुनुगुरु के लिए रवाना किया गया है। यह लंबी दूरी की दोनों ट्रेनों में खाली खुले डिब्बे थे, जिनका इस्तेमाल मुख्य रूप से थर्मल पावर स्टेशनों के कोयले को लोड करने के लिए किया जाता है। बात हो रही है भारतीय रेलवे की तो केंद्रीय रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। भारतीय रेल की स्थापना हुई थी 8 मई 1845 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके अध्यक्ष और CEO हैं सुनीत शर्मा। बात करें रेलवे से जुड़े करेंट अफेयर की तो भारतीय रेलवे के पूर्वोत्तर इकाई द्वारा दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे रूट पर जंगल टी टॉय ट्रेन सफारी सेवा शुरू की गई है। भारतीय रेलवे के द्वारा देश का पहला आपात शरण स्थल पटना जंक्शन पर बनाया जाएगा। बेस्ट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट अवार्ड गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप, जो कि भारतीय रेलवे के दक्षिणी जोन में स्थित है, इसे इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वहीं चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को FSSAI के द्वारा 5-स्टार ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 2021 का बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट को हाल ही में किसने जारी किया है? तो इस रिपोर्ट को जारी किया है UNDP ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, UNDP। इस रिपोर्ट को UNDP और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल के द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई है। यह रिपोर्ट 109 देशों और 5.9 अरब लोगों पर आधारित है, जिसमें 1.3 अरब लोग बहुआयामी गरीबी में हैं, यानी कि 21.7% लोग बहुआयामी गरीबी में हैं, जिसमें आधे यानी कि 644 मिलियन लोग 18 वर्ष से कम आयु के हैं और 8.2% यानी कि 105 मिलियन लोग 60 वर्ष से ऊपर के हैं, जबकि 85% लोग उप सहारा अफ्रीका या दक्षिण एशिया में रहते हैं। 84% लोग यानी कि 1.1 बिलियन लोग ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित हैं और 16% लोग यानी कि लगभग 209 मिलियन लोग शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं, जबकि 67% से अधिक मध्यम आय वाले लोग देश में हैं। जबकि भारत की बात करें तो यहाँ 6 बहुआयामी गरीब लोगों में 5 निचली जनजातियों या निचली जातियों के लोग हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 45वां वायलार राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बेन्यामिन को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेन्यामिन। बेन्यामिन जो कि जाने माने मलयालम लेखक हैं और उनकी पुस्तक मंथ लिरीले 20 कम्युनिस्ट वारसंकल के लिए वायलार राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड दिया गया है। वायलार राम वर्मा मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा स्थापित इस पुरस्कार में 1 लाख रुपये का नगद पुरस्कार, साथ ही प्रसिद्ध मूर्तिकार कनाई कुन्ही रामन द्वारा डिजाइन की गई एक मूर्ति और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में मिलने वाले पुरस्कारों की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। हाल ही में सत्यजीत रे पुरस्कार मिला है वी गोपाल को।
जबकि राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगल अवार्ड 2020 से एसवी सरस्वती सम्मानित हुई हैं, जबकि फ्लोरेंस नाइटिंगल अवार्ड 2021 से भानुमति घीवाला को सम्मानित किया गया है। सातवें यामिनी हजारिका वुमन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड मिला है नमिता गोखले को, जबकि बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है एलेजांद्रो प्रीतो को। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह पुरस्कार मिला है इन सभी को, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इन सभी को। इसमें शामिल है डेविड गार्ड, जोसुआ एग्रिस्ट और गुइडो एम्बेंस, जिन्हें आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। और इसमें डेविड गार्ड को श्रम अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए आर्थिक विज्ञान में सेवरिग्स रिक्स बैंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही जोसुआ एग्रिस्ट और गुइडो एम्बेंस को कारण संबंधों के विश्लेषण में उनके पद्धतिगत योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सेवरिग्स रिक्स बैंक यानी कि स्वीडन के केंद्रीय बैंक के द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार 1969 में रैगनर फ्रिस और जॉन तीन बर्गेन को आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया था। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है 2021 के नोबेल पुरस्कार की। तो अब तक जितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं उन्हें भी देख लेते हैं। हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार मिला है मारिया रासा और दिमित्री मुरातोफ को। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को। भौतिकी के क्षेत्र में यह पुरस्कार मिला है सिकुरो मनाबे, क्लाउस हैसलमैन और जियोर्गियो पारिसी को। फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में यह पुरस्कार मिला है डेविड जूलियस और अर्डेम पटपोटियन को। साहित्य के क्षेत्र में यह नोबेल पुरस्कार मिला है अब्दुल रजक गुरनाह को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व गठिया दिवस कब मनाया गया है? तो इस दिवस को हाल ही में 12 अक्टूबर को मनाया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 12 अक्टूबर। इस दिन को पहली बार 1996 में गठिया और संधिवाद इंटरनेशनल के द्वारा मनाया गया था और इस बार का थीम है देरी न करे आज ही जुड़े। गठिया जो एक बीमारी है जो आपके जोड़ों को प्रभावित करती है, यह ऐसे क्षेत्र जहां आपके हड्डियां मिलती है वे जगह गठिया रोग से प्रभावित होती है। यह आपके जोड़ों में सूजन या अधपतन यानी कि टूटना इसमें शामिल होता है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है अक्टूबर मंथ में मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट डेज की, जो कि आपके एग्जाम्स के नज़र से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो हाल ही में 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन और अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया गया है। बात करें 2 अक्टूबर की तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 से 8 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह के रूप में, 4 से 10 अक्टूबर तक विश्व अंतरिक्ष सप्ताह के रूप में और 4 अक्टूबर को विश्व पर्यावास दिवस मनाया गया है जो अक्टूबर मंथ के पहले सोमवार को मनाया जाता है। 5 अक्टूबर की बात करें तो राष्ट्रीय गंगा डॉल्फिन दिवस और विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया है, जबकि 1 से 31 अक्टूबर को स्तन कैंसर जागरूकता माह और 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया है। वही बात करें 8 अक्टूबर की तो भारतीय वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस, 9 अक्टूबर को ही विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, 10 अक्टूबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कितने उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 8। 8 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी और इनमें कुछ नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है, जबकि कुछ मुख्य न्यायाधीशों को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है। तो यह थोड़ा सा लंबा है लेकिन यह हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है तो इसे देखना ज़रूरी है। 5 मुख्य न्यायाधीशों का तबादला किया गया है जिसमें शामिल है त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ए कुरैसी, जिन्हें राजस्थान उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती को त्रिपुरा का नियुक्त किया गया है,
यानी कि राजस्थान के त्रिपुरा में बने हैं और त्रिपुरा के मुख्य न्यायाधीश राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, जबकि मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक को हिमाचल प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश, मेघालय के मुख्य न्यायाधीश विश्वनाथ सुंदर को सिक्किम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति एके गोस्वामी छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं और वह वर्तमान में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। तो कुछ नव नियुक्त मुख्य न्यायाधीश से इन्हें भी देख लेते हैं। कोलकाता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति रंजीत वी मोरे मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। कर्नाटक उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा को तेलंगाना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, जबकि मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। वही न्यायमूर्ति आर वी मलिमठ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। न्यायमूर्ति ऋतु राज अवस्थी कर्नाटक उच्च न्यायालय की, जबकि अरविंद कुमार गुजरात उच्च न्यायालय के और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के करूपुर कलमकारी पेंटिंग को GI टैग मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। तमिलनाडु के करूपुर कलमकारी पेंटिंग को हाल ही में GI टैग मिला है। कलाकुरुचि लकड़ी की नक्काशी का एक अनूठा रूप है, जिसमें शिल्पकारों के द्वारा पारंपरिक शैलियों से प्राप्त अलंकरण और डिजाइनों का उपयोग किया जाता है और यह तमिलनाडु में पाया जाता है, जिसे हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। बात हो रही है तमिलनाडु की, तो राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री हैं MS स्टालिन और राज्यपाल है RN रवि। विधानसभा सीट है 235, राज्यसभा सीट है 18, लोकसभा है 39, हाईकोर्ट है मद्रास उच्च न्यायालय, प्रमुख लोक नृत्य है भरतनाट्यम और राज्य के कन्याकुमारी लौंग को हाल ही में GI टैग मिला है। इस क्वेश्चन में बात हो रही है 2021 में मिलने वाले GI टैग की। अभी तक जितने भी राज्यों के प्रमुख उत्पादों को GI टैग मिले हैं उन्हें भी देख लेते हैं। इसमें केरल के एरियूर मिर्च और कुट्टी अटूर आम को हाल ही में GI टैग मिला है, राजस्थान के सोजत मेहंदी को, नागालैंड के नागा खीरा को, मणिपुर के सिरारा खोंग मिर्च यानी कि हाथी मिर्च को और तामेंग लोंग ऑरेंज को GI टैग मिला है। पश्चिम बंगाल की दो मिठाइयां सरभजा और सरपुरिया को, जबकि महाराष्ट्र के पालघर जिले के चावल की एक किस्म बाड़ा कोलम को GI टैग मिला है। इसके अलावा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग के सफ़ेद प्याज को और असम के जुडीमा राइस वाइन को GI टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अन्नोत्सव गरीब कल्याण योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यही योजना शुरू हुई है उत्तराखंड में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा इस अन्नोत्सव गरीब कल्याण अन्न योजना को शुरू की गई है, जिसके तहत एक माह में 14 लाख टन राशन किट लाभार्थियों को प्रदान किए जाएंगे। उत्तराखंड की बात हो रही है तो इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 में हुई थी। राज्यपाल है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और राजधानियां हैं देहरादून जो शीतकालीन है और गैरसैंण जो ग्रीष्मकालीन है। बात करें उत्तराखंड के विधानसभा सीट की तो है 71, राज्यसभा है 3 और लोकसभा सीटें हैं 5। राज्य की सीमाएं उत्तर में तिब्बत और पूर्व में नेपाल से लगती है। बात करें उत्तराखंड के करेंट अफेयर की तो हाल ही में यहाँ के जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क किया जाएगा। यहाँ सेल्फी विद टेम्पल अभियान शुरू की गई है। साथ ही राज्य के पहले आर्किड संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। भारत के पहले क्रिप्टोगैमिक गार्डन भी यहाँ पे स्थापित किया गया है। देश का सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन चमोली जिले के माड़ा गांव में 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है और भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी यहाँ पर स्थापित की गई है।
और राज्य सरकार ने कर्मचारियों की महंगाई भत्ता बढ़ाकर 11% कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता और अभिनेता का हाल ही में निधन हो गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नेदु मोदी वेणु। नेदु मोदी वेणु जो एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता थे और साथ ही अभिनेता थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेदु मोदी वेणु 1978 में अरविंदन द्वारा निर्देशित थंबू फिल्मों के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन की, तो इस क्वेश्चन से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि हाल ही में 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान के पहले राष्ट्रपति अबुल हसन बनी सद्र का हाल ही में निधन हो गया है। पाकिस्तान के परमाणु बम के जनक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का हाल ही में निधन हो गया है। रामायण में रावण के किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी का भी हाल ही में निधन हो गया है और अटल बिहारी वाजपेयी के पूर्व निजी सचिव शक्ति सिन्हा का भी हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में देश के मेंटर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दिल्ली में। तो इस देश के मेंटर कार्यक्रम का शुभारंभ दिल्ली में किया गया है और इस कार्यक्रम के तहत दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ने वाले 9वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चों को अपने अपने क्षेत्रों में सफलता हासिल करने वाले लोग करियर विकल्पों के बारे में मार्गदर्शन देंगे। देश के मेंटर्स कार्यक्रम में सरकारी स्कूलों के 1 से लेकर 10वीं क्लास तक के छात्रों को एक तरह का संरक्षण लिया जा सकेगा और इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सोनू सूद। दिल्ली जो कि भारत की राजधानी के साथ ही एक केंद्र शासित प्रदेश है, मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल है अनिल बैजल। बात करें दिल्ली के करंट अफेयर की, तो दिल्ली के रोहिणी में पहली पशु डीएनए प्रयोगशाला स्थापित की गई है। यहाँ पे देशभक्ति पाठ्यचर्या शुरू की गई है, साथ ही फेसलेस परिवहन सेवाएँ भी यहाँ पर लॉन्च की जाएगी और देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन भी यहाँ किया गया है। इसके अलावा दिल्ली आदर्श नगर स्थित राजकीय बाल विद्यालय का नाम रवि कुमार दहिया के नाम पर रखा गया है। दिल्ली के मेंटर्स कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद बने हैं। यहाँ डिजिटल लर्निंग सुविधा कर्मयोगी शुरू किया गया है और बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम की यहाँ पर शुरुआत की गई है। माइक्रोग्रिड प्रणाली का उद्घाटन किया गया है और डिजिटल जनसंख्या घड़ी का भी यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 11 अक्टूबर 2021 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 119वीं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती हाल ही में 11 अक्टूबर को मनाई गई है और यह उनकी 119वीं जयंती थी। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था। वह एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। इसके साथ ही वह एक समाज सुधारक थे जिन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता था। उन्हें मरणोपरांत 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके अतिरिक्त उन्हें समाज सेवा के लिए 1965 में मैग्सेसे पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 120 भाषाओं में गाना गाकर एक गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुचेता सतीश। सुचेता सतीश ने 120 भाषाओं में गाना गाकर एक गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। 19 अगस्त 2021 को दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास में आयोजित एक कार्यक्रम में 16 साल की सुचेता सतीश ने 120 भाषाओं में गाना गाने का रिकॉर्ड बनाया है और 7 अक्टूबर 2021 को दुबई में सुचेता सतीश को प्रमाण पत्र और प्रशस्ति दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है सुचेता सतीश की, जो 120 भाषाओं में गाना गाकर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसके साथ ही इस क्वेश्चन से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसा कि हाल ही में कर्नल श्रीपद श्री राम ने सबसे तेज सोलो साइकिलिंग का एक गिनीज रिकॉर्ड बनाया है।
वहीं गीता समोता, जिन्होंने अफ्रीका और रूस के दो चोटियों को फतह करके एक सबसे तेज भारतीय बनने का रिकॉर्ड बनाया है। नाप्ता झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन ने एक महीने में सबसे अधिक बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड बनाया है। और नेपाल के तसांग इनहंग ने दुनिया की सबसे तेज एवरेस्ट चढ़ाई का रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कनाडा के सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी के प्रमुख के रूप में चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरप्रीत कोचर को। तो कनाडा की सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी, जिसे फाक के नाम से जाना जाता है, और इसके अध्यक्ष के रूप में वरिष्ठ भारतीय कनाडाई वैज्ञानिक डॉक्टर हरप्रीत कोचर को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान संकट पर चर्चा के लिए G20 के असाधारण नेताओं का शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 12 अक्टूबर को। तो 12 अक्टूबर को अफगानिस्तान संकट पर चर्चा के लिए G20 असाधारण नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। G20 इतावली प्रेसिडेंसी के द्वारा बुलाई गई यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जाएगी। यह बैठक रोम में 30 से 31 अक्टूबर को होने वाले G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन से कुछ सप्ताह पहले की जा रही है। इस क्वेश्चन में बात हो रही है G20 की, तो यह सरकारों और केंद्रीय बैंकों का एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम है, जिसमें विश्व के सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। G20 का गठन 26 सितंबर 1999 को किया गया था। इसका उद्देश्य है सदस्य देशों को वैश्विक अर्थव्यवस्था के मुख्य बिंदुओं और समस्याओं पर चर्चा करने के लिए एकत्र करना। हाल ही में G20 समिति की बैठक में भारत का शेरपा पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया है। तो यह था आज के करेंट अफेयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।